खास नहीं है। चले अब एक क्वेश्चन दोस्तों जिसपे न जाने कितने ज्यादा सवाल पूछे गए। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया। आप हर साल का फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपैट का एग्जाम देखिए, आपको एचएलबी स्केल से एक क्वेश्चन फिक्स मिलता है। एचएलबी स्केल क्या है? दैट इज द हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली होते हैं सर्फेक्टेंट के, सस्पेंशन और इमल्सन में उसको स्टेबल करने के लिए हम डालते हैं क्या, सस्पेंडिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। इनको हम कंबाइंड रूप में एक ओवरऑल हम इसको सर्फेक्टेंट कह सकते हैं। व्हाट इज द सर्फेक्टेंट? जो दोनों अलग अलग फेज को आपस में मिलाने का काम करता है, अगुआ मीडिएटर, जो उनके बीच के सर्फेस टेंशन को कम करता है। एचएलबी वैल्यू पे बहुत क्वेश्चन आता है। इस एचएलबी वैल्यू को मेरे बच्चों कई तरीके से याद रखने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि एक बार समझ लीजिए कि एचएलबी वैल्यू की कहानी क्या है। एचएलबी वैल्यू कहानी क्या बेटा? एक एक बनाया गया है स्केल जो जीरो से शुरू होकर 20 पे खत्म होता है। इसको याद कर लो मोटा मोटा, जीरो से लेकर 20 पे खत्म होता है। नीचे की तरफ जब आप चलेंगे, जिसका एचएलबी वैल्यू जीरो से लेकर 7-8 तक के आसपास है, यानी उसका जो नेचर है वो लाइपोफिलिक है। ठीक है, और जिसका एचएलबी वैल्यू 20 से लेकर 14 के आसपास है, यानी उसका नेचर जो है वो हाइड्रोफिलिक है, और बीच वाले लगभग देखा जाए तो न्यूट्रल के आसपास रहते हैं। ओवरऑल में बात करो कैसे याद करना है कि अगर किसी भी एचएलबी वैल्यू जीरो से लेकर 3-4-5-6-7-8 तक है, यानी उसका नेचर लाइपोफिलिक है। और लाइपोफिलिक वाले नेचर हमेशा कहां इस्तेमाल किए जाएंगे? ये वाटर अपॉन आयल इमल्सन में इस्तेमाल किए जाएंगे। उसी तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे वो हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको चीजों को याद करनी है, समझना। कभी कभी पूछता है कि जो आपके एजेंट होते हैं, जो सर्फेक्टेंट होते हैं, वही सेम सर्फेक्टेंट अलग अलग एचएलबी वैल्यू पे अलग अलग नेचर शो करते हैं। जैसे कोई सर्फेक्टेंट जो है एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करता है, कोई सर्फेक्टेंट इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है वाटर अपॉन ऑयल, कोई जो है वेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, कोई ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन की तरह काम करता है, कोई डिटर्जेंट की तरह काम करता है, तो कोई सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन सा इमल्सन किस तरह से काम करेगा ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए एक चार्ट याद कर लीजिएगा। अगर किसी भी एचएलबी स्केल में वैल्यू 1 से 3 है तो वो एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर किसी भी एचएलबी स्केल में किसी भी रेजेंट की वैल्यू 4 से 8 के बीच में है तो वो वाटर अपॉन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर किसी की स्केल वैल्यू 7 से 9 है तो वो वेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। 9 से 16 है तो ऑयल अपॉन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा। 13 से 15 है तो डिटर्जेंट की तरह काम करेगा, और 16 से 18 है तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एचएलबी वैल्यू 4 बताइए कौन सा एजेंट है, एचएलबी वैल्यू 9 बताइए कौन सा एजेंट है, एचएलबी वैल्यू क्या। अच्छा देखिए, ये सारे एचएलबी वैल्यू 20 तक ही होते हैं, मैंने 18 दिया है, इसको 20 तक होते हैं। एकमात्र है ट्वीन जिसका एचएलबी वैल्यू 40 है, सही है? नहीं, ट्वीन नहीं था, दूसरा है, अभी आपको बताता हूँ, सॉल्व करते हैं। उसका एचएलबी वैल्यू 40 है, वो अलग से चिपर पेपर पूछा गया, मैं आगे बताता हूँ। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक छोटी सी मैं कहानी आपको कोरिलेट करता हूँ, छोटी सी स्टोरी को रिलेट करेंगे तो शायद आपको याद होने में आसानी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको छोटी सी स्टोरी सुना करके इस एचएलबी वैल्यू को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक छोटे से बच्चे से बात कीजिए। एक मैं आपको समझाने से पहले कुछ बता देता हूं कि अगर आप घर के अंदर हैं, ये आपका दोस्तों ये एक घर है, अगर आप इस घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर जो है जो वाटर है, ठीक है, आप अगर घर के अंदर रहते हैं तो उस केस में आप ये समझिए कि जो घर के अंदर है वो वाटर जो है वो कम होता है, और अगर घर के आप बाहर हैं तो वाटर ज्यादा होता है। इस तरीके से समझिए भाई, आप पानी वानी जो है वो अक्सर घर के बाहर ज्यादा होता है, तालाब है, नदी है, झरने हैं, घर के अंदर केवल पानी गिलास में होता है और घड़े में होता है, बर्तनों में होता है। इस तरह से चीज याद रखिएगा कि पानी जो है वो घर के अंदर है तो कम है और घर के बाहर है तो ज्यादा है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं ट्रिक शुरू करता हूं कैसे आपको याद करना है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये एचएलबी स्केल थोड़ा सा याद करा दिया जाए। जब आप 1 से 3 साल तक के थे तो आपके घर आप हमेशा जमीन में खेलते थे, बकैया चलते थे, कूदते थे, उठा के चीजें मुंह में भर लेते थे, तो आपकी मम्मी लोग जमीन में खूब साफ सफाई करती थी, खूब पोछा लगाती थी ताकि आपकी गंदगी मुंह में ना जाए, तो पोछा लगाने के लिए वो
फोमिंग एजेंट का इस्तेमाल करती थी, एंटी फोमिंग एजेंट का इस्तेमाल करती थी। इस ट्रिक से याद करें, यानी जब भी आपकी नजर में आए कि एंटी फोमिंग एजेंट का एचएलपी वैल्यू क्या होता है, तो ये कब यूज होता था, जब हम छोटे थे, 1 से 3 साल के थे, जिम चलते थे, तो याद रखेगा 1 से 3 साल। क्लियर? अब बात समझिए, जब आप 4 से 8 साल के हो गए तो आप थोड़े से बड़े हो गए, आपकी दोस्ती यारी हो गई, अब आप बाहर घूमने लगे, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे, क्रिब मैच खेलने लगे, ग्राउंड में घूमने लगे, पार्क में जाने लगे। अब आपको घर के अंदर अच्छा नहीं लगता था, आपको बाहर पसंद था, ठीक है? तो इस केस में, अब आप इस केस में घर के अंदर रहने लगे, ठीक है? और मैंने कहा जब आप घर के अंदर रहने लगे तो घर के अंदर पानी कम होता है, याद रखिएगा, घर के अंदर पानी कम होता है। तो जिस एजेंट में पानी कम और तेल ज्यादा, वो कौन सा इमल्सन? वाटर अपॉन ऑयल, या तेल छोड़ो, जिस इमल्सन में वाटर कम वो वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन, और जिसमें वाटर ज्यादा वो ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन, याद है ना भाई? ये देखिए, वाटर अपॉन ऑयल और ऑयल अपॉन वाटर। जब पानी कम है तो ये वाटर अपॉन ऑयल, जब पानी ज्यादा है तो ये ऑयल अपॉन वाटर, याद रखिएगा। यानी ट्रिक कहती है कि जब आप 4 से 8 साल के हो गए तो आप बाहर ज्यादा रहने लगे, घर के अंदर कम रहने लगे, यानी ये वाटर अपॉन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल है। ऐसे मैं छोटी सी कहानी सुनाकर आपको रिलेट कर रहा हूं, अगर आप 2 बार इसको सुन लेंगे आई होप आपको याद हो जाएगा। तो वाटर अपॉन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है? तीसरा है, 7 से 9 साल के जब आप हो तो आप अब और बड़े हो गए, अब आप दिन भर दोस्तों के साथ मैच वैच खेलने लगे। यानी 7 से 9 साल की बात करूं तो मैं आप लगभग क्लास किसमें आ गए हैं, 4-5 में, 3-4-5 में। अब आप ग्राउंड में दिन भर मैच खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, आप भीग रहे हैं, लेकिन आप मैच खेलना नहीं छोड़ रहे हैं, घर में आके पीटे भी जा रहे हैं, तो वेट हो रहे हैं, बाहर आप भीग रहे हैं, कभी गर्मी में पसीने से तो कभी बारिश में। तो वेटिंग एजेंट मतलब का एजेंट क्या है? वेट मतलब गीला होना। वेटिंग एजेंट का जो आपका एचएलपी वैल्यू है वो 7 से 9। देखिए, 1 से 3 साल के थे तो घर में थे, 4 से 8 साल के हुए तो आप बाहर घूमने लगे, पार्क में, 7 से 9 के हुए तो क्रिकेट खेलने लगे। अब 9 से 16 वाली जो एज है, ये थोड़ा सा आप लगभग हाई स्कूल के आसपास पहुंच गए, हाई स्कूल इंटर के आसपास पहुंच गए। अब आपको अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर हो गया कि मुझे नीट निकालना है, मुझे IIT में जाना है, तो मुझे कोई तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा सा सीरियस हो गए। अब आप ग्राउंड में कम और अंदर ज्यादा घूम रहने लगे। अंदर ज्यादा क्यों रहने लगे? आपको पढ़ाई करनी है, आप सीरियस हो गए। तो इस उम्र में 9 से 16 साल की उम्र जब आप घर के अंदर ज्यादा रहने लगे, ठीक है, जब आप घर के अंदर ज्यादा रहने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये, ठीक है, अब आपका घर के अंदर ज्यादा रहने लगे तो अब पानी जो है वो क्या रहने लगा, ज्यादा होने लगा, पानी कम मिलने लगा। मैंने कहा ना, जब घर के बाहर ज्यादा थे तो पानी ज्यादा था, घर के अंदर है तो पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो पानी की मात्रा कम हो गई तो मतलब पानी की मात्रा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वाटर अपॉन, हाँ यहाँ पे पानी मात्रा कम थी, यहाँ पानी मात्रा ज्यादा होने लगी, ये वाटर अपॉन ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन, ठीक है? थोड़ी सी कहानी पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। यानी कि जब आप 9-16 साल के हो गए तो आप ऑटोमेटिक क्या हो गए, थोड़ा सा घरेलू हो गए इस केस में। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक उल्टी हो रही है, 4 से 8 साल के थे तो आप घर के अंदर रहने लगे थे तो वहां पे घर में उधर पानी कम होता है, वाटर पॉन ऑयल इमल्सन था, आप घर के बाहर रहने, इस तरह जोड़िएगा, घर के अंदर है ज्यादा है तो वाटर, घर के ऑयल है मतलब पानी कम है, अंदर है तो बाहर वाटर है, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे, आप एक बार दोबारा देखिए समझ में आ जाएगा। 13 से 15 साल के हुए तो अब आप कपड़े गंदे करने लगे, घूमने टहलने लगे, तो क्या जरूरत पड़ेगी, डिटर्जेंट पाउडर की, कपड़े धुलने के लिए, तो डिटर्जेंट की तरह है। और जब बहुत बड़े हो गए, 16 से 18 साल के हो गए, जवान हो गए, वयस्क हो गए, अब आप सुख दुख सब कुछ समझने लगे, आप चीजों को समझने लगे, अब आप धीरे धीरे सबको समझने लगे, मतलब सबको अपने अंदर सॉल्युबलाइज करने लगे, तो 16 से 18 साल वाली जो ट्रिक है वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की। तो इस तरह से कुछ ट्रिक याद करिएगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल तौर पे आपसे, मैं आपसे पूछूं कि किसी एजेंट का जो वो है 12 है, ठीक है, क्या है, किसी का एचएलपी वैल्यू क्या है 12, तो आप 12 साल में थे, किस रेंज में आते थे, 9 से 16 साल वाले में, यानी आप घर के बाहर कम निकलते थे, यानी आपका इमल्सन क्या हो गया, वाटर अपॉन ऑयल अपॉन वाटर, ठीक है। अगर आप किसी एचएलपी वैल्यू 2 है तो वो किस एजेंट का हुआ, 2 है मतलब आप 1-3 साल में घर के अंदर खेलते थे, ऊंचा लगता था, एंटी फोमिंग एजेंट, आप ऐसे याद कर लेंगे। तो एक छोटी सी मैं स्टोरी से कोरिलेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप इसी से पढ़ाई करिए, आप अपने से भी कोई ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रिक अच्छी हुई तो आप उससे शेयर कीजिएगा, मैं बच्चों को भी वो बांटूंगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ एचएलपी वैल्यू थोड़ा ध्यान से। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जो कई बार जीपैट में पूछे गए हैं मेरे बच्चों, ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है,
क्या कौन से रीजेंट की जनरली वैल्यू कितनी होती है, ये जितने भी एग्जांपल मैं आपको यहां दिखा रहा हूं वो सिलेक्टेड एग्जांपल है, वो सिलेक्टेड एग्जांपल जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे ओलिक एसिड का एचएलवी वैल्यू जो होता है बच्चों, ओलिक एसिड का एचएलवी वैल्यू जो है वो होता है 1.0 यानी 1 याद रखेगा, यानी ओलिक एसिड क्या है, एंटी फोमिंग एजेंट है, क्योंकि इसका एचएलवी वैल्यू 1 है, 1 से 3 वाले क्या होते हैं एंटी फोमिंग एजेंट। ग्लिसरील मोनोसॉर्बिटेट, इसको सॉर्बिटॉन भी कहते हैं, इसको बहुत फेमस नाम है सॉर्बिटॉन। सॉर्बिटॉन का जो एचएलवी वैल्यू होता है ये सॉरी ग्लिसरील मोनोस्टेरेट का 3.8 होता है और सॉर्बिटॉन का 4.3। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, बट जीपैड में कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपका स्पान 80, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार एग्जाम पूछा ट्वीट और स्पान, ये कई बार पूछा गया। स्पान 80 का आपका होता है 4.7 स्पान, ठीक है ना, ठीक है। सार्बिटॉन का होता है, स्पान 80 का होता है 4.7। मोनोस्टेरेट स्पान 60, देखिए स्पान 80 का 4.7 और स्पान 60 का 5.5। स्पान 80 का 4.7 और स्पान 60 का 5.5, ठीक है। जैसे जैसे स्पान की वैल्यू घटती जाती है 80, 60, 40, 30, वैसे वैसे उसका जो हाइड्रोफिलिक नेचर है बढ़ता है, लाइकोफिलिक नेचर घटता है। यानी जब 80 से 60 आ रहा है तो लाइकोफिलिक नेचर घटेगा, यानी धीरे धीरे उसके एचएलवी वैल्यू का बढ़ेगी, ये 5.5 है। ग्लिसरील मोनोस्टेरेट इसका होता है 5.5, गम एकेसिया का होता है 8.0, सार्बिटॉन का है 8.6, स्पान 20, स्पान 20 का देखिए 12, स्पान 80 था तो 4.6, स्पान 60 था तो 5.5 और स्पान 20 था 12। यानी स्पान का आपको याद रखना, स्पान एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्पान 80, स्पान 60 और स्पान 20, ये तीन बहुत बार पूछे गए एग्जाम, ठीक है। तो स्पान 80 है तो 4.7, 60 है तो 5.5 और 20 है तो 12, ठीक है, याद रखिएगा। यानी नीचे की तरफ संख्या बढ़ रही, ये स्पान की वैल्यू घटेगी तो एचएलवी की वैल्यू बढ़ेगी, ये चीज याद रखना, ऐसे से आपको याद हो जाएगा आराम से। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं, चलिए कुछ और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला है आपका आपका ट्राई एथेनॉल अमीन ओलिएट, ठीक है, और या इसको पॉली हाइड्रोक्सी सर्बिटॉन है, इसका 15 है। ट्वीन 80 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वीन 80 का आपका 15 आता है दोस्तों, ट्वीन 80 और इसका दोनों का 15 है। पॉली ऑक्सीथाइलिन सर्बिटॉन का 6.7 है। ट्वीन 20, देखिए वहां पता आपका था स्पान का, उसी तरह ट्वीन 80 ट्वीन 20, तो ये 120 आपको बता ही चुका हूं। ट्वीन 20 का जो होता है 20 होता है, पोटेशियम ओलिएट का 20 होता है दोस्तों, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसका जो आपका एचएलवी वैल्यू है वो 40 हो। सारे एचएलवी वैल्यू की जो स्केल है वो 20 के अंदर होती है, आपका सोडियम लॉरिल सल्फेट का 40 होता है, क्योंकि अपवाद में है, एक्सेप्शन में है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन और वीडियो से